नमस्कार, मैं आपके साथ रेबिका कोटी। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में तेजी से नजर डालते हैं राज्य के अहम खबरों पर। बीएमटीसी 15 अगस्त को मुफ्त सवारी की पेशकश करेगा। कोविड सकारात्मक दर बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्री ने सावधानी बरतने का आग्रह किया। अरुंधति फिल्म से प्रेरित होकर कर्नाटक में युवक ने आत्महत्या कर ली। भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर एसीबी भंग करने पर आगे की कार्रवाई सीएम ने बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को दिग्गज कन्नड़ गायक शिवमग्गा सुब्बाना को श्रद्धांजलि दी। कोप्पल जिले में दो समुदायों के बीच संघर्ष में दो की मौत। बेंगलुरु आधे से अधिक एसी बस भेड़े। आईटी क्षेत्र में ईंधन की लागत और घर से काम करने का हवाला देता है। अमेरिकी शीर्ष राजनयिक ने बेंगलुरु में बड़े नेताओं और उद्यमियों से मुलाकात की। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने दुबई से एयर इंडिया की उड़ान से पहुंचे एक यात्री के पास 831 ग्राम वजन का 24 कैरेट सोना जब्त किया है। मंगलुरु तटरक्षक बल ने सफाई अभियान में 750 किलो कचरा एकत्र किया। वर्ष 2022 के लिए सीमा अवार्ड शो का 10वां संस्करण 10 और 11 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। गौरी लंकेश हत्याकांड में 3 और गवाहों से पूछताछ शुरू हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तहत कर्नाटक एसीबी को समाप्त कर दिया। मामलों को लोकायुक्त में स्थानांतरित कर दिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कोविड-19 बूस्टर खुराक लेने का आग्रह किया। मंकी पॉक्स के खिलाफ सभी सावधानियां बरते जाने की बात कही। चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने सड़क कार्यों के लिए बजट की अनदेखी की। बोम्मई सरकार उच्च न्यायालय के एसीबी के आदेश का पालन करेगी, लेकिन निष्पादन पर कोई स्पष्टता नहीं। कलबुर्गी में स्कूली बच्चों ने फ्रीडम वॉक में दिखाई देशभक्ति। बेंगलुरु के 5 सितारा होटल में महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म, आरोपी फरार। बेंगलुरु फ्लावर शो लालबाग से मेट्रो का किराया स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत पर फ्लैटों 30 रुपए होगा। रिपोर्ट कहती है कि WFH लचीले कार मॉडल के साथ बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। राकेश टिकैत स्थायी हमले मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।